बिहार में बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। बड़ी खबर इस समय की, टुन्ना पांडे ने नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी की थी। टुन्ना के बयान से जेडीयू के नेता नाराज थे और बीजेपी से बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। टुन्ना पांडे ने 3 दिन पहले नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताते हुए जेल भेजने की बात कही थी। बाहुबली टुन्ना पांडे सीवान से बीजेपी के लोकल बॉडीज से जीते हुए एमएलसी हैं और पहले भी विवादों में रह चुके हैं। अब उनको निलंबित कर दिया गया है। टुन्ना पांडे ने 3 दिन पहले नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहते हुए जेल भेजने की बात कही थी और तभी से जेडीयू में नाराजगी थी। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश कुमार, ये होना ही था क्योंकि जेडीयू और बीजेपी सत्ता में साथ साथ हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जिस तरीके की टिप्पणी टुन्ना पांडे ने की थी उसके बाद ये होना ही था। शोभना, ये जो अभी एक टिप्पणी आई है, बयान आया है जेडीयू की तरफ से, अभिषेक झा जो प्रवक्ता है वो कहे हैं कि देर हो गई, देर से ही सही लेकिन कार्रवाई हुई, ये दबाव में कार्रवाई हुई है। इसका मतलब है कि बीजेपी तैयार नहीं थी सीधे तौर पर कार्रवाई करने को। अनुशासन समिति की तरफ से उनको नोटिस गया था, कारण बताओ नोटिस, उसका जवाब उन्हें देना था, लेकिन जवाब आने से पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था और जो बयान दिए थे उसको लेकर काफी नाराजगी हो गई थी जेडीयू में। और जेडीयू के प्रवक्ता ने यहां तक कह डाला था कि बीजेपी के शह पर यह हो रहा है, तो जाहिर है कि मामला काफी तूल पकड़ रहा था। तो ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कमान हाथ में ली, संजय जायसवाल ने, और एक चिट्ठी उनके निलंबन का, जो एक कहा जा सकता है कि औपचारिक तौर पर उन्हें निलंबित कर दिया। लेकिन एक और इसमें पेच है शोभना, कि जो पहला पत्र जारी किया गया था उसमें पत्रांक संख्या नहीं बल्कि सिर्फ दिनांक था, और फिर थोड़ी देर बाद एक और इशू आता है और उसमें जो आवेदन होता है उसके हिसाब से जो पत्र जारी किया था उसमें नंबर बिठा दिया जाता है, पत्रांक संख्या दे दी जाती है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बीजेपी के ऊपर जेडीयू का काफी दबाव था और दबाव में ही ये फैसला लिया गया उन्हें निलंबित करने। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी की गई उसको देखते हुए बीजेपी की जो मांग थी वो वाजिब है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में झगड़े के चलते सरकार भी खतरे में पड़ सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।